तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर पब्लिक बहुत ज्यादा बेकाबू हो चुकी थी और ये अंकल को ना पब्लिक ने कुचल दिया था भीड़ के अंदर और उनकी बहुत ज्यादा यहाँ पर हालत खराब हो चुकी है। अस्सलामुअलैकुम, आज हम जाने वाले हैं अंदर कोर्ट जहाँ पर आज हाई डोस खेला जाएगा इमाम हुसैन की याद में और वहाँ पर जितनी भी तलवारें होती है वो बिल्कुल शार्प होने वाली है। आपको चल के पूरा मंजर दिखाऊंगा। अभी आपने इन दिस व्लॉग में तो देख ही लिया होगा कि कैसे यहाँ पर हाई डोस खेला जाता है। तो गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। सो गाइस देख सकते हो फाइनली मैं हताई चौक में पहुंच चुका हूं जो कि अंदर कोर्ट के अंदर पड़ता है और माशाल्लाह यहां पर देख सकते हो कितने सारे लोग यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और ये सारे के सारे अंदर कोर्ट से और जो भी अजमेर से पब्लिक आती है यहां पर हाई डोस खेलने के लिए आती है। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पर पहले अखाड़े खेले जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर तलवारों से हाई डोस खेला जाता है और वो भी बिल्कुल तेज़ तलवारें होती है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल तलवारों से यहाँ पर हाई डोस खेला जाता है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ तलवारों से हाई डोस खेला जाता है। और इन्हों की अकीदत ये होती है कि अगर ये करबला में होते तो ऐसे ही ये हुसैन के साथ वहाँ पर खड़े होते। सो गाइस एक हाई डोस जो अपने इंडिया के अंदर अंदर कोर्ट के अंदर होता है और एक ये सेम टू सेम हाई डोस तलवारों के साथ पाकिस्तान के अंदर भी मुहर्रम में खेला जाता है। तो ये दोनों हाई डोस एक इंडिया के अंदर और एक ना पाकिस्तान के अंदर एक जो परिवार था इन्हों का, उन्होंने ही यहाँ पर ये रस्म स्टार्ट करी थी। यहाँ पर अंदर कोर्ट में वही परिवार की रस्म अभी तक चलती भी आ रही है और सेम टू सेम वहाँ पाकिस्तान के अंदर भी सेम हाई डोस की यहाँ पर रस्म चलती भी आ रही है। आप यहाँ पर पब्लिक देख सकते हो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इससे पहले कितनी कम पब्लिक थी और अभी देख सकते हो आप पूरा का पूरा हताई चौक जो है पूरा हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हो खड़े खेले जा रहे हैं तलवारों के साथ, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा खौफनाक मंजर हो जाता है। आगे चल के काफ़ी लोगों को चोट भी आती है पर ऐसा वो खुद लोग अपने मुंह से बताते हैं कि वो उनको दर्द नहीं होता। अब ये पता तो अल्लाह जाने कि कैसे क्या होता है, तो अभी देखना आगे चल के यहाँ पर तलवारों से भी हाई डोस स्टार्ट हो चुका है। Yeah.
तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर 9 मुहर्रम की रात को अंदर कोर्ट के अंदर हाई दोस खेले जाते हैं और बीवी की डोली की जो सवारी करके 9 मुहर्रम को यहाँ पर जो सीढ़ियों के ऊपर ला करके रख दिया जाता है और बाकी के दिन इसको ढाई दिन के झोपड़े के अंदर ही रखा जाता है। तो अभी